क्या है राजपथ का इतिहास? राजपथ नाम किसने दिया था? ब्रिटेन के सम्राट से क्या है राजपथ का नाता? अब राजपथ को मिला कैसा नया नाम? एक नवल स्वप्न पूरा करने को फिर से हम जुट जाएंगे, विश्व के नव पटल पर एक नया भारत बनाएंगे। ये करतलनाद गूंज उठा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन किया। इसी के साथ राजपथ अपने नवीन स्वरूप में सामने आया। इसे अब एक नया नाम और एक नई पहचान मिल चुकी है। अपने नवीन स्वरूप में इसे कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है। ये खंड पूरे 20 महीने के बाद अब एक बार फिर से आम जनता के लिए खुल चुका है। इसके पुराने स्वरूप राजपथ का भी अपना एक इतिहास रहा है। राजपथ, ये नाम सुनाई देते ही याद आता है दिल्ली का वो पथ जिस पर देश के विराट पुरुषार्थ को प्रदर्शित करते गणतंत्र दिवस की परेड हुआ करती है। ये वही पथ है जिसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। इस पथ की सिर्फ यही पहचान नहीं है, बल्कि इस पथ से जुड़ा है एक बड़ा ही दिलचस्प और रोचक किस्सा। ये राजपथ जो अब कर्तव्य पथ हो चुका है, इसे राजपथ का नाम कैसे मिला था, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल जब ब्रिटिश काल में किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे तो उनके स्वागत में इस मार्ग को विशेष तौर से तैयार किया गया था, ताकि वे इसी मार्ग से होते हुए वायसराय भवन या अब के राष्ट्रपति भवन तक जा सकें। ऐसे में इस पथ का नाम किंग्सवे रखा गया था। इस पथ को यह नाम सेंट स्टीफेंस कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर पार्सिवल स्पीयर ने दिया था। आपको बता दें कि प्रोफेसर पार्सिवल स्पीयर ही वो शख्स थे जो ब्रिटिश सरकार ने जिनकी सलाह पर दिल्ली के अलग अलग मार्गों के नाम रखे थे। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच के पथ को किंग्सवे नाम देने वाले स्पीयर ने ही शाहजहां रोड, अकबर रोड और पृथ्वीराज रोड जैसे नाम भी सुझाए थे। लिहाजा न्यूटियन जोन में इस नाम की सड़कें उन्हीं के सलाह की देन हैं। तो हम बात कर रहे थे किंग्सवे की। ये वही मार्ग था जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच मौजूद है। देश की आजादी के बाद तक इसका यही नाम था, लेकिन साल 1961 में एक बड़ा बदलाव करते हुए इसका नाम बदल दिया गया। 1961 में ये किंग्सवे से राजपथ हो गया। इसका नाम बदलने के पीछे जो बातें चर्चाओं में रही हैं, उसके मुताबिक किंग्सवे नाम से ब्रिटिश उपनिवेश के शासन की बू आया करती थी। ऐसे में आजाद भारत में इस नाम को बदलने की मांग उठी, जिसके चलते इसका नाम बाद में राजपथ कर दिया गया था। लेकिन अब देश में मोदी शासन के दौरान जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो बहुत सी चीजों का नवीनीकरण और कुछ नए निर्माण भी हुए। ऐसे में इस महत्वपूर्ण पथ का भी नए सिरे से जीर्णोद्धार हुआ, तो इसका नाम भी बदल दिया गया। अब वो पथ जो पहले किंग्सवे हुआ करता था, जिसे बदलकर राजपथ किया गया था, उसे अब नया नाम मिल चुका है। इसे अब से हम सब कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।